अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो नॉमनक्लेचर की तरफ मूव करने लगे हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की नॉमनक्लेचर की तरफ जाएंगे, जिनमें हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, होमोलोगस सीरीज़ के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये इसकी एग्जांपल, हाइड्रोकार्बन सीरीज़ की एग्जांपल हमने ली थी। आज हम लोगों ने इसके नॉमनक्लेचर की तरफ जाना है, आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। आईयूपीएसी एक हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक अदारा है जिसके तहत हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, तो उनको कॉमन नेमिंग से ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं जाना जा सकता। तो ये बात इम्पोर्टेंट थी कि हम कोई ऐसे इसके लिए नॉमनक्लेचर, एक नेमिंग का सिस्टम जो है वो इवॉल्व कर ले कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसी नाम से पहचाना जाए। तो आईयूपीएसी ने जो है वो नॉमनक्लेचर के रूल्स दिए हैं, जिनके तहत अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग करते हैं। तो आज हम लोगों ने जिसकी नेमिंग की तरफ चलना है वो है अल्केन सीरीज की तरफ हम लोगों ने जाना है। नॉमनक्लेचर में मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली हमारे पास थ्री पार्ट्स होते हैं। हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद लिखा जाता है रूट वर्ड। और फिर रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है सफिक्स। तो ये तरतीब होती है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग की, जो तरतीब होती है वो ये रखी जाती है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में हमारे पास क्या आता है, प्रीफिक्स में आता है सब्स्टिट्यूट, या जिसको आप क्या कहते हो, ब्रांच, ठीक, सब्स्टिट्यूट या ब्रांच। रूट वर्ड में हमारे पास क्या आता है, मेन कार्बन चेन। और सफिक्स में हमारे पास क्या आता है, कि वो हमारे पास कौन सी है, कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रखने वाला कंपाउंड है, यानी कि अल्केन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखता है, यानी कि अल्कीन है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि अल्काइन है, ठीक है। तो क्योंकि आज हम लोगों ने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले ही सफिक्स को देखना है, तो लिहाजा हम लोग अल्केन सीरीज़ को देख रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास एन का लफ्ज़ जो होगा वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स मिलके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बनाते हैं, ठीक। अब मैं बारी बारी इन तीनों को क्या करती हूँ, लिटिल बिट एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम लोग जो है एग्जांपल्स लेकर रूल्स को क्या करेंगे, आईयूपीएसी के जो रूल्स हैं अल्केन्स की नेमिंग के लिए उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं लेती हूँ कि प्रीफिक्स में हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट आता है या जो ब्रांच आता है, सबसे पहले उसी का नाम लिखा जाता है। अब ब्रांच में हमारे पास, ब्रांच और सब्स्टिट्यूट, ठीक, इसमें हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो एज अ ब्रांच और एज अ सब्स्टिट्यूट काम कर सकते हैं, वो हमारे पास नाइट्रो है, NO2, ठीक है, नाइट्रोसो है, एन
ओ, फिर हमारे पास क्या है, हेलो ग्रुप है या एक्स, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसको बोला कैसा जाएगा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक। जब इनको एज अ ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूट लिखा जाएगा तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो होता है वो एज अ सब्स्टिट्यूट लगा हो सकता है। अल्काइल ग्रुप में हमारे पास क्या आता है, जैसे कि मिथाइल CH3, यानी कि मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन निकला हो, इथाइल C2H5, इथेन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल लें, और वो अल्काइल सीरीज जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं वो सीरीज एज अ सब्स्टिट्यूट या एज अ ब्रांच काम करती है, ठीक है। प्रोपाइल C3H7, ठीक है। अब प्रोपाइल में हमारे पास क्या हो सकता है, नॉर्मल प्रोपाइल भी हो सकता है, CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये होगा तो हमारे पास इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक। और अगर हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ हुआ है वो सेंटर वाले इस कार्बन से होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आइसो, आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अल्काइल्स जो एज अ ब्रांच काम कर सकते हैं। फिर मजीद हमारे पास ओ के साथ क्या लगा हो, CH3, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, ठीक। ओ के साथ यहाँ पर इथाइल लगा हो ऑक्सीजन के साथ, तो इसके लिए इथॉक्सी, ठीक है। ओ के आगे लगा हो C2 C6 C5 सॉरी C6H5, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फिनॉक्सी, फिनॉक्सी, ठीक। C6H5 इसको बोलेंगे फिनाइल, ठीक है। ये बेंजीन में से C6H6 बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव किया होता है तो ये एज अ ब्रांच काम कर रहा होता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा होता है, जिसको हम फिनाइल बोलते हैं, ठीक। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये वो ग्रुप्स हैं जो एज अ ब्रांच एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं। इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लें, ब्रांच और सब्स्टिट्यूट का जो है ये किस कार्बन पे अटैच है, उस कार्बन का नंबर देना लाजमी होता है, उस कार्बन का नंबर देना लाजमी होता है, ठीक है। मेंशन नंबर ऑफ कार्बन एट व्हिच ब्रांच इज अटैच्ड, ठीक। ये चीज आप लोग नोट कर लें। ये सारा था किसके मुतालिक, सब्स्टिट्यूट और ब्रांच से मुतालिक था। नेक्स्ट जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो उस बारी आती है रूट वर्ड की। रूट वर्ड में सेकंड है हमारे पास रूट वर्ड,
जी रूट वर्ड मेन कार्बन चेन का जो नेम होता है वो रूट वर्ड होता है। मेन कार्बन चेन का जो नेम होता है ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे रूट वर्ड होगा वो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वन कार्बन वाला कंपाउंड है तो उसका उसके लिए इस्तेमाल होगा मेथ। टू कार्बन वाला है तो एथ। थ्री कार्बन वाला है तो प्रोप। फोर कार्बन वाला है तो ब्यूट। फाइव कार्बन वाला है तो पेंट। सो ऑन ठीक है। सिक्स कार्बन वाला होता है तो क्या होता है हेक्स। सेवन वाला हैप। एट ऑक्ट। नाइन कार्बन नॉन एंड टेन कार्बन वाला अगर चेन है मेन चेन तो उसके लिए इस्तेमाल होता है डक ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है ये एज अ रूट वर्ड इस्तेमाल होगा इन केस ऑफ अल्केन ठीक है। ये रूट वर्ड हमारे पास इतने कार्बन वाले होंगे तो हमेशा यही वर्ड इस्तेमाल होंगे ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लास्ट जो नेम का पार्ट होता है वो होता है सोफिक्स। सोफिक्स हमें बताता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं। आया कि वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है ठीक है। इस केस में क्योंकि हम लोग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन्स को डिस्कस कर रहे हैं तो लिहाजा हमारा जो नेम का एंड होगा वो ए एन ई पे हो रहा होगा ठीक है। हमारा नेम का एंड किस पे हो रहा होगा ए एन ई पे हो रहा होगा जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला ये कंपाउंड है ओके। अब हम लोग चलते हैं रूल्स ऑफ नॉमनक्लेचर। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या होता है नेमिंग का सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ठीक है। आपके पास जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कॉन्टिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना होता है ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब ये मैंने क्या लिख दिया एक स्केलेटन लिख दिया ठीक। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन शो नहीं किया। आप लोगों को यहाँ पर क्या है मालूम होना चाहिए कि किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे उसकी वैलेंसी पूरी होगी ठीक है। एक कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है तो मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच करके 4 वैलेंसी कर लें। कार्बन कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर लें ठीक है। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है तो मज़ीद 2 हाइड्रोजन लगाएं 4 वैलेंसी पूरी कर लें। इस कार्बन के साथ 1 2 3 ठीक है 1 2 3 3 कार्बन अटैच हैं तो 1 हाइड्रोजन और लगा के वैलेंसी पूरी कर लें। इस कार्बन के साथ 1 एंड 2 तो 2 और लगा लें। इस कार्बन के साथ 1 एंड 2 तो 2 और लगा लें। इस कार्बन के साथ 1 कार्बन है तो 3 और लगा लें। इस कार्बन के साथ 1 एंड 2 2 कार्बन लगे हुए हैं तो 2 और लगा लें। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा लें। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं तो 2 और लगा के 4 पूरी कर लें और ये 1 कार्बन लगा हुआ है इस कार्बन के साथ तो 3 और लगा। तो ये मैंने क्या कर दिया हाइड्रोजन लगा के इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया। ये आप लोगों को आना चाहिए ठीक है ओके। तो फर्स्ट रूल क्या था सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
अब देखें, एक चेन ये है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। एक चेन अगर मैं कहूं कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। एक मैं कह दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लिहाजा ये ऊपर वाली 7 वाली है वो सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक, मैं कहती हूँ कि मैं ये चेन ऐसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने 8 वाली चेन को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, 8 कार्बन चेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट रूल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 वाला मैंने ये बनाया, सेकंड पे कार्बन अटैच है और यहां पर मेरे पास क्या है, 2 कार्बन चेन अटैच है। ठीक, देखें अब यहां पर हमारे पास पहला काम क्या करना है, वही लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये वाली जो हमारे पास चेन है 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, 1 2 3 4 5 ये भी 5 है, लेकिन सिलेक्शन किसकी होगी, सिलेक्शन हमेशा अगताए आ गया ना, 2 इक्वल लेंथ की कार्बन चेन्स पाई जा रही हैं, तो हमारे पास सिलेक्शन होगी उस चेन की जिस पे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा आती हों, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा आती हों। देखें मैंने जो अभी सिलेक्ट की है 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारे पास एक ब्रांच ये लगी हुई है और एक ब्रांच ये लगी हुई है। ठीक है, इसी को मैं दोबारा लिखती हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, मैं अगर इस चेन को सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो अब देखें सिर्फ इस कार्बन पे एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ठीक नहीं है, हमेशा वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा आ रही हो। इसका मतलब है ये सिलेक्शन जो है करेक्ट है जी, ठीक है, और ये क्या है, रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। तो हमारे पास सेकंड रूल क्या हुआ, सेकंड सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मोर ब्रांचेस। ठीक, सेकंड रूल ये है कि अगर हमारे पास 2 इक्वल लेंथ की ब्रांचेस हैं तो हमने उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा पड़ती हो। ठीक, ये हमारे पास हो गया सेकंड रूल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7। जी बच्चों, मैंने लिख लिया एक और कंपाउंड। पहला रूल अप्लाई करें इस पे, पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, तो 1 2 3 4 5 6 7
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये वाली चेन छोटी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, ये वाली चेन भी है। मतलब कि मैं अगर ये स्ट्रेट पिक करती हूँ तब भी सेवन वाली है, और अगर मैं क्या करती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये वाली पिक करती हूँ तो तब भी हमारे पास क्या है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन इक्वल। तो हमारे पास क्या है, मैं जो भी सिलेक्ट करूँगी मसला नहीं आएगा, नेम सेम आएगा, मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मैं जिस रूल को आप बताना चाह रही हूँ वो देखें, देखें यहाँ पर हमारे पास अगर मैं नंबरिंग इस साइड से शुरू करती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो फिफ्थ पोजीशन यहाँ पर, सॉरी थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है थर्ड पोजीशन पे। ऐसी अगर सिचुएशन होती है कि एक सिरे से ग्रुप नज़दीक है, ठीक है, और दूसरे सिरे से ग्रुप दूर है, तो हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पर ग्रुप नज़दीक होता है। मतलब कि मैंने जो ऊपर नंबर लिखे हैं दैट इज़ करेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ से हमारे पास नंबरिंग स्टार्ट होगी, ना कि यहाँ से। तो रूल क्या है हमारे पास, स्टार्ट नंबरिंग टू कार्बन चेन फ्रॉम वेयर ब्रांच इज क्लोज, ब्रांच इज क्लोज और विद लोएस्ट कार्बन नंबर, उसका कार्बन नंबर कम हो उसी साइड से। देखें यहाँ पर टू है, यहाँ पर करेंगे तो थ्री आएगा ना, ठीक है, तो इसलिए लोएस्ट कार्बन नंबर जहाँ पर आ रहा हो वही करेक्ट होती है सिलेक्शन, ठीक है। नंबरिंग वहीं से आपने क्या करनी है, स्टार्ट करनी है, ठीक। तो रूल नंबर वन क्या होता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर टू होता है हमारे पास, हम लोगों ने क्या करना है, हमेशा वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसपे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा पड़ती हों, ठीक है। थर्ड हमारे पास पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास क्या है, दो क्या लगे हुए हैं, ब्रांचेस लगी हुई हैं, एक जो है वो क्लोज़र टू, ठीक है, हमारे पास कौन क्लोज़र है, ठीक, सिरे से जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, तो हमेशा वही सिलेक्ट करेंगे, जो दूर है उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, थर्ड रूल हो गया हमारे पास। तो आपको ब्रांच को हमेशा क्या मिलना चाहिए, लोअर नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखें थ्री रूल्स हमारे पास हो चुके हैं, अब मैं ज़रा इसकी अगर नेमिंग की तरफ चलती हूँ कि इसका नेम कैसे लिखेंगे। देखें सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है मैंने लिखना है सब्स्टिट्यूट और ब्रांच। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, कितनी ब्रांचेस लगी हुई हैं, ये भी ब्रांच लगी है, ये भी ब्रांच लगी है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जिस जिस नंबर पे ब्रांच लगी है और वो लगी भी क्या हुई है, सेम लगी हुई है, सेम ब्रांच है ना, मुख्तलिफ नहीं है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो मैं करूँगी टू कॉमा फाइव, सेकेंड कार्बन पे लगी हुई है
और फिफ्थ कार्बन पे लगी है, तो 2,5, टू टाइम्स मिथाइल लगा हुआ ना, एक मिथाइल ये लगा एक मिथाइल, तो मैं लिख दूंगी डाए मिथाइल। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, मैंने नेमिंग कर दी किसकी, प्रीफिक्स की, ये प्रीफिक्स लिख दिया। नेक्स्ट होता है हमारे पास मेन चेन का नाम लिखना होता है, तो ये कितने वाली चेन है मेन चेन, हेप्ट, कितने वाली चेन है, हेप्ट, 7 कार्बन वाली हेप्ट, और फिर पूरी चेन के अलांग सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन हेप्टेन, ये इसका नाम होगा 2,5-dimethylheptane। आगे बात की समझ, तो ये हमारे पास इसका नाम होगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रीफिक्स, हेप्ट इसका क्या है रूट वर्ड, और एन इसका क्या है सफिक्स। ठीक है, एक और रूल को समझने के लिए हम ये वाला कंपाउंड लेते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन ही कर लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये टू हमारे पास, ये स्ट्रेट लंबी वाली सीधी और ये वाली, ये दोनों 9-9 की है। ओके, तो इनमें से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब सेकंड रूल हमारे पास क्या है, देखें यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं यहाँ से कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ, 1, 2, 3, यहाँ पर थर्ड पोजिशन पर मिथाइल है, ऊपर भी और नीचे भी, और जब मैं अगर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास थर्ड पोजीशन पे एक सिरे से दूर है लेकिन वहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, और ए यहाँ पर हमारे पास ग्रुप तो एक है यानी कि ब्रांच तो एक है लेकिन वो सिरे से करीब है, तो ऐसे केस में हम लोगों ने नंबरिंग जहाँ से करीब है ना वहीं से स्टार्ट करनी है। ये नहीं देखना कि यहाँ पर ज़्यादा दो ब्रांचेस लगी हैं तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर दें, नो, ये करीब है लिहाजा हम लोगों ने स्टार्ट जो है उसी साइड से इसकी नंबरिंग करनी है। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। जी, नेमिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स यानी के सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना होता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं और 3 के 3 क्या हैं, मिथाइल ही हैं, ठीक है ना, तो मैं क्या कहूँगी यहाँ पर, मैं बोलूँगी 2, 7, 7 पे 2 टाइम लगा हुआ है तो 7 को मैं 2 टाइम लिखूंगी, 2,7,7, ठीक है, टोटल 3 है ना मिथाइल, तो लिखूंगी ट्राई मिथाइल, ठीक। ये मेरे पास हो गया पहला पार्ट यानी कि ब्रांच का नेम हो गया। नेक्स्ट होता है कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन का नेम, तो 9 वाली है तो नोन, 9 कार्बन वाली, और आखिरी होता है हमारे पास बॉन्ड टाइप जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यानी कि अल्केन है, तो अल्केन की पहचान AN होता है, तो 2,7,7 ट्राई मिथाइल नोनेन इसका क्या है, नेम है, ठीक है। अब आप लोगों ने बात याद, ये याद रखनी है कि ये जो हमारे पास रूट वर्ड होता है कार्बन चेन, इसमें हमारे पास सिर्फ मेन कार्बन, मेन चेन में जितने कार्बन होते हैं ना उनकी काउंटिंग होती है, ऐसा नहीं है कि 9, 10, 11, 12 नहीं, ब्रांचेस वाले कार्बन हम लोग मेन ये जो रूट वर्ड होता है इसमें शामिल नहीं करते, ठीक। अब मैं एक और, तो
नेक्स्ट हम एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 वाली चेन ली, यहां पर एक मिथाइल अटैच है, और यहां पर सी और सी ये अटैच है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, समटाइम्स यहां पर ये ब्रांच ऐसे क्लोज लगी होती है, C2H5 करके उन्होंने लगाई होती है, तो आप लोगों ने करना ये होता है कि इसको ओपन करके लाजमी देख लें, मुमकिन है कि वो जब ओपन करके लिखा जाए तो वही लॉन्गेस्ट चेन बन जाए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर इन्होंने क्लोज करके क्या लिखा होता, C3H7 ठीक है, तो फिर क्या था हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसको मैं खोल के लिखती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये हमारे पास क्या है, दोनों क्या बन सकती थी, इक्वल लेंथ की बन रही थी, लेकिन क्योंकि वो क्लोज लिखी हुई थी तो हमें पता नहीं चलना था बात, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि ब्रांच पे अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो और वो क्लोज फॉर्म में लगा हुआ हो तो उसको आप ओपन करके लिख लें, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ जी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पर आप हमारे पास सबसे पहला रूल तो वही अप्लाई होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नहीं हो सकता, ठीक, तो लॉन्गेस्ट चेन वही होगी, पहला रूल हो गया। सेकंड रूल, अब हम लोगों ने क्या करनी है, कार्बन की नंबरिंग करनी है जी। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक यहाँ से, और अगर मैं यहाँ से करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यहाँ से हमारे पास थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है और यहाँ से हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे इथाइल आ रहा है। तो आपने क्या देखना है, आपने करना ये है कि जहाँ से करीब आ रहा है वहीं से सिलेक्ट करनी होती है, हम ये रूल पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा यहाँ से नंबरिंग ठीक है, 1, 2, 3 ठीक। मैं नीचे वाली को इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पर दो मुख्तलिफ ब्रांचेस लगी हुई हैं, ऊपर तो सेम थी ना, तो मैंने क्या कर दिया, कार्बन के नंबर लिख के आगे वो जितनी थी डाई ट्राई वो लिख के उसका नाम लिख दिया। जब हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांचेस हों तो हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली इसको लिखते हैं ठीक। अब हमारे पास थर्ड नंबर पे मिथाइल आ रहा है, फिफ्थ पे इथाइल आ रहा है, तो लिहाजा मैं इथाइल ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो मैं इथाइल ही इसी का कार्बन नंबर पहले लिखूँगी, 5-ethyl ठीक है, 3-methyl ठीक। ये हो गया हमारे पास पहला पार्ट नेम का कंप्लीट, ब्रांच का नेम हो गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास रूट वर्ड, 8 कार्बन वाला है तो ऑक्ट, और एंड पे होता है हमारे पास सफिक्स, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है तो एन, ऑक्टेन। ये मेरे पास हो गया कंपाउंड का नेम, 5-ethyl, 3-methyl, octane ठीक है। तो यू रूल क्या हमें पता चला कि इफ डिफरेंट ब्रांचेस आर देयर, डिफरेंट ब्रांचेस आर अटैच्ड, देन
नेम देम अल्फाबेटिकली, नेम देम अल्फाबेटिकली, जी ये हो गया एक और रूल, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ जिससे ये मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वाली मैंने चेन ले ली, ठीक है। यहाँ पर मैंने इथाइल अटैच कर दिया और यहाँ पर मैंने मिथाइल अटैच कर दिया, इधर भी मैंने मिथाइल अटैच कर दिया, ठीक है। अब ज़रा देखें ये कंपाउंड, इसकी नेमिंग करनी है हमें। सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नो, ठीक है। तो हमारे पास एक इस तरह से बन रही है चेन और एक हमारे पास इस तरह से, जो कि सेम है असल में। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक। अब मैं यहाँ पर इस जो नीचे ये रूल बताया है इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारे पास अगर डिफरेंट ब्रांचेज हों तो उनको अल्फ़ाबेटिकली क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। लेकिन याद रखें, अब देखें यहाँ पर हमारे पास डाईमिथाइल का लफ्ज़ आएगा ना, ठीक है। इसको मैं नेमिंग जब करूँगी, सबसे पहले मैंने नाम करना है ब्रांच को, नंबरिंग कर दूँ मैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, वन टू थ्री, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे टू बाउंड लगे हुए हैं, टू ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पर वन टू थ्री थर्ड पोजीशन पे सिंगल एक ग्रुप लगा हुआ है। तो मैं किसको प्रेफर करूँगी, जहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, मतलब कि हमारे पास इधर क्या है, थर्ड पोजीशन पे ही टू बाउंड लगे हुए हैं, लिहाजा मैं नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करूँगी कि थर्ड पोजीशन वाले पे टू बाउंड लगे हुए हैं, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सिंगल बाउंड लगा हुआ है, ठीक है। तो जब जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बाउंड क्राउड ब्रांचेस का क्राउड ज़्यादा हो जाए ना, नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करते हैं, बेशक इधर से और इधर से हमारे पास इक्वल नंबर पे आ रहा है, ब्रांच इक्वल नंबर पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांच क्योंकि ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, नंबरिंग will start where number of branches are more, जहाँ पर number of branches ज़्यादा होंगी, जैसे कि यहाँ से, तो वहीं से आपने क्या करना है, कार्बन को नंबर देना शुरू करना है, तो ये यहाँ से नंबरिंग करेक्ट होगी, ठीक है। ये एक और आपको रूल पता चल गया। अब एक हमारे पास क्या है, एक और यहाँ पर मैं बात डिस्कस करना चाह रही हूँ। मैं अगर इसका सब ब्रांच का नाम लिखती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा आएगा, मिथाइल है ना दोनों और ये इथाइल है, तो ये ई वाला पहले आएगा, क्या लिखेंगे आप, फाइव इथाइल थ्री कॉमा थ्री डाय मिथाइल। अब होता यह है कि हमारे जहन में आता है कि डी तो पहले आता है अल्फाबेटिकली, ई पहले बाद में आता है, तो ये डाय मिथाइल पहले इधर क्यों नहीं लिखा और इथाइल इधर क्यों नहीं लिखा, आपने ये डाय ट्राय को टेट्रा को इग्नोर कर दिया, आपने जो मेन चीज है ना, मेन नाम है, उसको अल्फाबेटिकली देखना, ठीक है। तो ये फाइव इथाइल थ्री थ्री डाई मिथाइल, ये हमारे पास ब्रांच का नेम हो गया। उसके बाद मेन चेन सेवन वाली है, तो ऑक्ट सॉरी हेप्ट सेवन वाली है, हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो ए हेप्टेन, तो ये बनेगा इसका
नाम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया क्या एक और एग्जांपल। ठीक, अब हमारे पास क्या हो सकता है, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं इसके ऊपर जो ब्रांच है ना वो चेंज करती हूँ, हेलो ब्रांच लगाती हूँ अब मैं। पांच वाली मैंने चेन ली, ठीक है, इधर ब्रोमो लगा हुआ है और इधर क्लोरो लगा हुआ है। यस, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, सो मैंने कर ली। सेकेंड नंबर पे अब मैंने कार्बन के चेन की नंबरिंग करनी है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी? अब आपने ये अल्फ़ाबेटिकली देखने नहीं बैठ जाना कि जी ये बी पहले आता है सी बाद में आता है तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ, नहीं। देखें, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रांच लगी हुई है तो इसी को प्रेफर किया जाएगा। इस कार्बन पे ब्रांच लगी है ना, यहाँ पर से करेंगे तो सेकंड पे आएगी ब्रांच, यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट पे आ रही है, तो लिहाजा यहाँ से हमारे पास नंबरिंग करेक्ट है। ठीक है, नंबरिंग आपने यहीं से स्टार्ट करनी है। हाँ, अब जब हम लोग ब्रांच नेम लिखेंगे ना तो फिर हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अब मैं ये पहले लिखूंगी, क्या लिखूंगी, फोर ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है। ठीक है, वन क्लोरो, ठीक, ये ब्रांच नेम हो गया। चेन कितने वाली है, पांच वाली। पेंट और कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं, वन सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो एन हेप्टेन अल्केन सीरीज। ये होगा हमारे पास क्या इसका नाम। लेट सपोज अगर मेरे पास ये ब्रोमीन यहां पर लगा होता, अब देखें यहां से नंबरिंग करूंगी तब भी फर्स्ट पोजीशन पे ब्रांच है, यहां से नंबरिंग करूंगी तब भी फर्स्ट पोजीशन पे ब्रांच है। अब आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर फिर देखना पड़ेगा, अब आपको वहाँ से ब्रांच का नंबर स्टार्ट करना पड़ेगा कार्बन का जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अब यहाँ पर बी पहले आता है तो अब नंबरिंग जो है यहाँ से स्टार्ट होगी, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, कहाँ तक होगी हमारे पास, फाइव तक। अब ज़रा मैं इसकी नेमिंग करूँ जी, तो नेमिंग होगी वन ब्रोमो, फाइव क्लोरो। ठीक है, ये ब्रांच का नेम हो गया। अब चेन का नेम देखें, फाइव वाला है तो पेंट, और फिर देखें हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप कितना है, यानी कि सिंगल है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं ना, कार्बन कार्बन सबका सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब ये अल्केन सीरीज का, तो एन पेंटेन, तो ये इसका नेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तकरीबन सारे के सारे क्या है, रूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अल्केन के। ठीक, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो के रिलेटेड टू नॉमनक्लेचर हैं अल्केन के, पंजाब टेक्स्ट बुक के भी एक्सरसाइज के, और जो हमारे पास फेडरल बोर्ड की बुक है उसके भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। किसी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।